हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एंड माय टुडेज टॉपिक इज डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन्स। कि अगर हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स के डिफरेंट डिफरेंट जार्स हैं, सपोज ये एक एल्केन का गैस जार है, ये दूसरा आपके पास किसका है, एल्कीन का, और तीसरा आपके पास है एल्काइन्स का, और किसी स्टूडेंट ने इनका जो लेबल लगा हुआ था उस लेबल को क्या किया, कवर कर दिया, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा गैस जार एल्केन का है, कौन सा एल्कीन का और कौन सा एल्काइन का। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, एल्केन्स जो है वो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है उसको डिस्चार्ज नहीं करते, यानी कि अगर हम इन तीनों में थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि एक किसी एक सिलेंडर में जिसमें क्या होगा एल्केन है उसमें ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, और जिसमें एल्कीन और एल्काइन्स हैं उसमें वो जो पाई बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, वो ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, BrBr, यानी कि डाई ब्रोमो कंपाउंड बना देते हैं, और ये जो डाई ब्रोमो कंपाउंड्स हैं इनका कोई कलर नहीं होता और ब्रोमीन इनको बनाने में कंज्यूम हो जाती है तो इनका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, अगर मैं कोल्ड KMnO4 लूं, कोल्ड KMnO4 का भी क्या काम होता है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना, OH, जहां मैंने Br लगाया है इसकी जगह क्या आ जाता है, OH। तो हम क्या देखते हैं, जो एल्कलाइन KMnO4 है इसका कलर होता है पिंक पर्पल, तो इसका ये जो पिंक पर्पल कलर है KMnO4 का, मैं तीनों ही गैस जार में थोड़ा थोड़ा सा पिंक, वो पिंक कलर का एल्कलाइन KMnO4 डालूंगी तो मैं देखूंगी कि जिसमें एल्केन है उसमें कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि पिंक कलर बचा रहेगा, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर बचा रहेगा, और जिनमें एल्कीन और एल्काइन है उसमें रिएक्शन हो जाएगी और पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल्केन्स को सेपरेट कर लिया किससे, एल्कीन और एल्काइन से। लेकिन अगर हमें एल्कीन और एल्काइन में भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसका क्या तरीका होता है, हम टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये एक्चुअली दो बॉटल्स में होता है, और सिल्वर मतलब टॉलेंस रिएजेंट ए, टॉलेंट रिएजेंट बी, तो एक में ए होता है एक में बी होता है, हम इन दोनों को पहले मिक्स करते हैं और फिर उसकी रिएक्शन एल्काइन से और एल्कीन से कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जितनी भी टर्मिनल एल्काइन्स है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास डायरेक्ट दोनों साइड एच हो या कम से कम एक साइड एच हो, यानी कि एक साइड क्या चल रही हो, चेन चल रही हो, तो उसे हम टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। तो ये टर्मिनल एल्काइन्स जो है वो टॉलेंट टेस्ट देंगी, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Ag2O, और Ag2O से फिर क्या बनेगा, इससे रिएक्शन करके सिल्वर सॉल्ट बन जाएंगे, ओके। जबकि इसमें इस तरीके की रिएक्शन एल्कीन में नहीं होगी। सिमिलरली दूसरा टेस्ट होता है फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग से टेस्ट क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक बॉटल में होता है जिसको हम फेहलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं, दूसरी बॉटल में NaOH होता है इसको हम फेहलिंग सॉल्यूशन बी बोलते हैं। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पहले CuO, CuO कन्वर्ट होके क्या बनाता है, Cu2O, Cu2O जब रिएक्शन करता है तो जो टर्मिनल एल्काइन्स हैं उनमें जहां एच था, एक साइड एच था तो एक साइड, और दोनों साइड एच था तो दोनों साइड क्या आ जाता है, कॉपर, अगर इधर भी एच था तो कॉपर आ जाएगा, नहीं तो आर रहेगा, जबकि फेहलिंग जो रिएजेंट है वो इनसे एल्कीन से रिएक्शन नहीं करता। तो हम क्या देखेंगे, हमने एल्काइन्स को और एल्कीन्स को क्या किया, डिस्टिंग्विश कर लिया, लेकिन हमने कौन सी एल्कीन और कौन सी एल्काइन को किया, एल्कीन्स तो सारी इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन हमने किया टर्मिनल एल्काइन्स को, किसको, टर्मिनल एल्काइन्स को, और ये एल्कीन्स थी। लेकिन अगर मुझे नॉन टर्मिनल क्या लू मैं, एल्काइन, यानी कि ऐसी एल्काइन जिसमें दोनों साइड आर ग्रुप है, और ये एल्कीन चाहे वो नॉन टर्मिनल है और चाहे वो टर्मिनल है, तो मैं क्या देखती हूं कि इसको मैं किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई
नहीं कर सकती। इसके लिए एक स्टेप में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है, आई विल हैव टू फॉलो मेनी स्टेप्स, देन आई विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम। तो ये था डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। थैंक यू।